आज जिन जिन कंट्रीज़ के रिलेशन इंडिया के साथ बेटर हैं, अगर मैं बात करूँ अफगानिस्तान के रिलेशन बेटर हैं, अफगानिस्तान को भी इंडिया ने बुरे वक्तों से बाहर निकाल दिया। मैं यहाँ पर प्रेस या तारीफ नहीं कर रहा, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश के, बांग्लादेश आज हमसे अलग हुआ लेकिन इंडिया ने उसको सपोर्ट किया। जापान ने इंडिया को कहा कि आप बांग्लादेश के साथ चेन बनाओ, हम बांग्लादेश को इंडस्ट्रियल हब बनाने जा रहे हैं। आज देखें कि अगर पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होते, आज हम ईमानदार होते, तो क्या हमें वो नहीं बनाते? इंडिया मदद ना करता हमारी? आपने रिसेंटली भी न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया के 18 कंट्रियों में उनकी जो करेंसी है वो एक्सेप्ट की जा रही है। इससे ज़्यादा वो हिंदू ज़्यादा तरक्की पे जा रहे हैं। सर क्या वजूहत हैं? हम कहते हैं मुसलमान सबसे अच्छे हैं, हमारे पास इबादत भी हम करते हैं, हम कहते हैं कि हम सबसे अच्छे ईमानदार भी हैं, फिर भी आज के टाइम के अंदर हिंदू ज़्यादा तरक्की याफ्ता हमसे के नाम के इंडिया में एक साथ खुश थे। लेकिन आज लगता है कि आपको कि हमारा डिसीजन सही था इंडिया से अलग होने का? अब देखते हैं क्या कुछ खरीद भी पाएंगे कि नहीं। जितनी महंगाई हो चुकी है, जो चीज़ पहले 1000 में थी, 2000 में थी, अब वही चीज़ें 5000 6000 में पहुंच चुकी हैं। तो गरीब के लिए क्या वजूहत जी, महंगाई बढ़ने की क्या वजूहत लगती है? महंगाई बढ़ने की वजूहत सबसे पहले तो हमारे जो मुल्क के हालात हैं उस पर डिपेंड कर रहे हैं, हमारे डॉलर के रेट पर हैं, हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो भी क्रैश कर चुकी है, पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी बड़ा इफेक्ट कर रहे हैं हमारे कंट्रीज पे। ये हमारे बिल्कुल सही। अगर मैं अपने पड़ोसियों को देखूं, अगर जो कि पहले बांग्लादेश था हमसे अलग हुआ, आज बांग्लादेश को देखें इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है। आज अगर अफगानिस्तान को देखेंगे, उनकी इकोनॉमी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इंडिया की बात करेंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी रिसेंटली जापान की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है, जापान ने कहा है कि बांग्लादेश को हम आने वाले टाइम के अंदर इंडस्ट्रियल हब बनाने जा रहे हैं, वो भी थ्रू ऑफ चेन ऑफ इंडिया, इंडिया की मदद के थ्रू। क्या कहना चाहेंगे, अगर आज हमारे तालुकात अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे होते तो क्या हम डेवलप ना हो जाते? बिल्कुल हो सकते थे। आपने रिसेंटली भी न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया के 18 कंट्रियों में उनकी जो करेंसी है वो एक्सेप्ट की जा रही है, हमारे साथ है, हमसे एक दिन आज़ाद बाद में आज़ाद हुए हैं, और हम कहाँ पर हैं? बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद हुए हैं। अफगानिस्तान का हाल देख लें, उनकी करेंसी हमसे बेहतर है, ढाका की करेंसी हमसे बेहतर है, हम पता नहीं कहाँ से कहाँ हैं। हम ये देख रहे हैं जिस मुल्क ने ये कर दिया वो कर दिया, हम अपने बस उसने आज ये फौज ने ये कर दिया, इस पीडीआई ने ये कर दिया, पीएमएल ने ये कर दिया, बस अपने झगड़ों में लगे हुए हैं, मुल्क के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं कि हमारे रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर नहीं है, आज जिन जिन कंट्रीज़ के रिलेशन इंडिया के साथ बेटर हैं, अगर मैं बात करूँ अफगानिस्तान के रिलेशन बेटर हैं, अफगानिस्तान को भी इंडिया ने बुरे वक्तों से बाहर निकाल दिया। मैं यहाँ पर प्रेस या तारीफ नहीं कर रहा, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश के, बांग्लादेश आज हमसे अलग हुआ लेकिन इंडिया ने उसको सपोर्ट किया, दुनिया की पाँचवीं बड़ी मैशत इंडिया है इस टाइम। अगर बांग्लादेश डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है तो इसमें इंडिया का कितना हाथ है? क्या हम पूछना, मैं ये चाह रहा हूँ हमारे रिलेशन कब बेटर होंगे इंडिया के साथ? आप ऐसा पाकिस्तानी क्या चाहते हैं, रिलेशन बेटर करना चाहते हैं या नहीं? देखिए इंडिया एक बहुत बड़ी ग्लोबल मार्केट है, क्योंकि उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, आपके जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल के जोन है वो वहाँ पर है, क्योंकि चाइना के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा आबादी कंट्री है तो वो इंडिया ही है। अब इंडिया बन चुका है, पहले इंडिया बन चुका है, लेकिन कहने का मकसद है कि अगर इंडिया के साथ भी आपको ताल्लुकात अपने अच्छे रखने पड़ेंगे, हम सारों के साथ ताल्लुकात रखने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे बॉर्डर उनके साथ टच है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन उनके साथ होती है। अगर हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, हर किसी कंट्री के साथ अच्छे रखेंगे, तो हमारे बहुत से मसले हल हो सकते हैं, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे इंपोर्ट ही करवाएं, हमारी एक्सपोर्ट भी हो सकती है वहाँ पर, हमारी बहुत से यहाँ पर चीज़ें हैं जो वहाँ पर जाती हैं। सबसे पहले आप अपना नमक देख लें, साल्ट, पिंक साल्ट, हम यहाँ से इंडिया भेज रहे हैं, अभी नहीं बेच रहे, ट्रेड बंद है तो अभी नहीं बेच रहे, मतलब कहने के मतलब पहले बेच रहे थे ना, वही हमारा वही इंपोर्ट करता हुआ आगे कंट्री में। वो आपको पता है हम बहुत सारी चीज़ें अभी इंडिया से ही मंगवाते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं यहाँ पर कि ट्रेड बंद है कैसे मंगवा सकते हैं? हमारा जो सामान है वो बारह से पहले दुबई जाता है, इंडिया दुबई भेजता है, दुबई से वापस मंगवाते हैं। कितना महंगाई होगी, कितने गरीब पर जुल्म है के लिए? बिल्कुल है, क्योंकि डेफिनेटली डायरेक्ट डायरेक्ट तजारत करने में कोई मसला है? कोई भी मसला नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर का मसला है, हमारा मसला नहीं, वो नहीं चाहते कि वहाँ को रिलीफ मिले। आप एज अ पर्सनल एक ह्यूमन अगर देखो जाए, हमारा पास्ट अगर आप 100 साल पीछे चले जाएँ तो आज हम सारे इंडियंस थे, अगर आप 1000 साल पीछे चले जाएँ हमारे दादा परदादा सारे इंडियंस में इंडिया में एक साथ खुश थे। लेकिन आज लगता है कि आपको कि हमारा डिसीजन सही था इंडिया से अलग होने का, मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए? मुझे तो लगता है कि डिसीजन ठीक था।
बिल्कुल डिसेंट ठीक था, तो जो हमारे कायदे आजम ने हमें एक नज़रिया दिया है, हम आज़ाद मुल्क हैं, अपनी आज़ाद इबादत कर सकते हैं। मैं इंडिया को इतना सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर आज भी अगर देखें तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाए तो कोई पता नहीं कब उठा के ले जाते हैं उनके राम रूम करते हुए, लेकिन मैं उनको इतना सपोर्ट नहीं। मैं आपको बताऊं, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो ये होनी चाहिए चीज़ें, हमें कुछ ना चाहते हुए लोगों के साथ अपने। आपको एक चीज़ क्लियर कर दो, जो आपने मस्जिदों के बारे में बात की है, मैं एज अ रिसर्चर जो मैंने रिसर्च की है कुछ पिछले कुछ टाइम के अंदर, मैंने एक सेशन रखा था पॉडकास्ट का, जो कि यहाँ सर मैं वहाँ के लोगों के साथ कनेक्ट करता था, इंडियंस के साथ गुफ्तगू करता था, मुस्लिम के साथ स्पेशल। जो आपने बात की है यहाँ पर, जो एक मिसकंसेप्शन मैं कहूँगा जिसको फैलाया गया है कि मस्जिद के अंदर से नमाज़ पढ़ने वाले को, आपको शायद मेरी बात अच्छी लगे ना लगे, लेकिन ये सच है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी मुस्लिम के साथ बात हुई, वो कहने लगे कि आज अगर आटे की कीमत देखें, आज अगर चीनी की कीमत, आटे उसके अलावा टमाटर, आलू, प्याज की कीमत आप देखेंगे तो हम आपके निस्बत जन्नत में रह रहे। और दूसरे नंबर पर आपने बात की कि मस्जिदों पर नमाज़ पढ़ने नहीं दी जाती, वो कहते हैं कि भाई आप इतने आज़ाद नहीं हैं जितने हम अपने मुल्क में आज़ाद हैं, इंडिया के अंदर आज़ाद रह के नमाज़ पढ़। आप इस मज़हब को छोड़ दें, आप सिख बरादरी को देख लें, वो यहाँ पर आते हैं, वो सुकून से अपनी इबादतगाह पे आते हैं, ये अपने करतारपुर में आते हैं, इतनी उनको आज़ादी वहाँ पर नहीं है जितनी यहाँ पर है। आए दिन उनके भी बहुत से झगड़े हैं, सिर्फ मुस्लिम कंट्री को छोड़ दें, उसको भी बाकी देख लें। एक चीज़ मैं बताता चलो, आपने कहा कि बहुत ज़्यादा झगड़े हैं यहाँ पर, एक चीज़ मैं क्लियर करूँ, इंडिया की आबादी कितनी है टोटल? आई थिंक 1 अरब से ज़्यादा है उनकी। 1 अरब से ज़्यादा है, 1 अरब 40 करोड़ होगी अब, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के अंदर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम टोटल अंदाजन कितने होंगे, तादाद किसी ज़्यादा होगी? मोस्टली के पाकिस्तान से तो 5 टाइम ज़्यादा मुस्लिम वहाँ पर है। मैं तो पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों के अंदर आपने ये न्यूज़ सुनी थी कि जहाँ पर पंजाब कॉलेज के अंदर कुछ लोगों ने कुछ मतलब कि वो होली पनी मना रहे थे, त्यौहार मना रहे थे, उन पर मतलब के चढ़ दौड़े मुसलमान जो थे हमारे भाई जो थे, सुनी न्यूज़ आपने? हाँ जी मैंने सुनी हुई है। तो नेगेटिविटी कहने का पर्पस ये है, मतलब ये है कि नेगेटिविटी हर तरफ है, दोनों तरफ है, अगर हम उस चीज़ को हाईलाइट करेंगे, अगर एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पर भी होंगे यहाँ पर भी होंगे, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पर नहीं होंगे, यहाँ पर जो हम दिखाते हैं कि वहाँ पर नमाज़ नहीं पढ़ी दी जाती, लेकिन इस चीज़ को मैं डिनाई करना चाहूँगा कि वहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ते हैं, खुल के नमाज़ पढ़ते हैं, और रोडों के ऊपर लोग ट्रैफिक को रोक कर मुसलमानों को वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है। अब ये बिल्कुल है, लेकिन इतनी नहीं है जितना। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मंदिर कितने थे यहाँ पर आज़ादी से पहले, कितने ज़्यादा हिंदू थे? हमसे हिंदू मुझसे सवाल पूछते हैं, इंडियंस मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई 21% हिंदू थे, अभी सिर्फ 5% भी नहीं, 1% रह गए, बाकी कहाँ गए, हमसे सवाल पूछते हैं। दोनों तरफ है, ये चीज़ें उठानी नहीं चाहिए, पर पीस की बात करनी चाहिए या नहीं? पीस तो होना चाहिए दोनों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाम आपका सर? मेरा नाम ज़का भट्ट। आपका नाम? अज़रा परवीन। माशाल्लाह वेरी नाइस। अब मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे मोहतरम हैं, तो सर बताइएगा कि शॉपिंग करने आए हैं? शॉपिंग करने आए हैं बाबा, आम जूती जो चप्पल है ना, चप्पल वजू करने वाली, वो 2000 की है, वो नहीं, वो घर से बस ऐसा ही है, हर चीज़ में महंगाई है, हर चीज़ खाने पीने पे महंगाई है, ये तो जूतियाँ हैं ना, ये परेशान है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर सर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से बेहतर वो है जो अपने पड़ोसियों के लिए बेहतर है। आज आप बताइएगा कि हमारे तालुकात कौन से हमारे पड़ोसी के साथ बहुत अच्छे हैं? अफगानिस्तान के साथ हैं, इंडिया के साथ हैं, बांग्लादेश के साथ हैं, चाइना के साथ हैं, किन के साथ हमारे तालुकात अच्छे हैं? सर चाइना के साथ ही हैं। चाइना के अलावा, चलो चाइना को बीच में निकाल देते हैं, आप बताएँ। चाइना हमें कुछ देता तो उतर आता ना, इसलिए चाइना से सही है, नहीं है, नहीं बात नहीं है। अच्छा सर, बांग्लादेश आज हमसे अलग हुआ, आज हमसे अलग होकर वो क्या महसूस करता होगा? हुक्मरानों की वजह से अलग हो गया ना, बड़े बड़े जो आज थे। आज पता है आपको कि बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मजबूत है हमसे, आज वो जब पाकिस्तान को इस किस्म के हालात में देखता होगा तो वो क्या महसूस करता होगा? आज तो वो बहुत खुश है, वो खुश होते होंगे ना, हमारे देख के ना खुश होते हैं। इतफाक नहीं है इनका, इतफाक नहीं है, ये सारे खाने वाले ही हैं, खाने वाले खा लो। एक सवाल यहाँ पर एक और पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हुआ है, बहुत बड़ा कदम उठाया है जापान ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ये लिया है कि जापान अब बांग्लादेश को इंडस्ट्रियल हब बनाने जा रहा है। जापान ने इंडिया को कहा कि आप बांग्लादेश के साथ चेन बनाओ, हम बांग्लादेश को इंडस्ट्रियल हब बनाने जा रहे हैं। आज देखें कि अगर पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होते, आज हम ईमानदार होते, तो क्या हमें वो नहीं बनाते? इंडिया मदद ना करता हमारी? करता जी, करता क्यों ना, बस ये हुक्मरान है जो ये ना नवाज शरीफ ना इमरान खान, कुछ किसी को नहीं दे रहा,
ये जो गरीब अवाम है ये पिस रही है, इसका क्या कसूर है बेचारी का जो कुछ नहीं कर सकते, अपने बच्चों के लिए खाना नहीं बना सकते। बहुत मुश्किल काम है। देखें मैंने ले लिया, आपने ले लिया, ये अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इनको चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें गरीब अवाम का ध्यान रखें, उनका कौन वारस है? ये वोट ले जाते हैं आके उस दिन गलियां बांध जाती हैं, वोट लेके कभी घर में आए ही नहीं पूछने के क्या है क्या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता सर कहीं ना कहीं आवाम का भी कसूर है? जब वो पॉलिटिशियन आपकी सुनते नहीं है तो आप उन्हें वोट क्यों देते हैं, सिलेक्ट क्यों करते हैं? किसको दें फिर? किसी को तो देंगे ना, जैसी आवाम वैसा हाकम भेजा जाता है। कुरान पाक कह रहा है, कुरान पाक कह रहा है जैसी आवाम वैसा हाकम, हम लोग भी ठीक नहीं है। सर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो वहाँ पर जो भी हुक्मरान आता वो मुल्क के लिए आता। आप नरेंद्र मोदी को देख लें कि इंडिया को पांचवी बड़ी मैशत बना दिया। उनकी वो है ना हिंदू, वो सारे इकट्ठे हैं, वो उनको ज़्यादा तरजीह देते हैं, तो सिख वगैरह नहीं है, वो क्या कर सकते। बड़ा इसकी वजह से ज़्यादा वो हिंदू ज़्यादा तरक्की पर जा रहे हैं। क्या वजूहत हैं? हम कहते हैं मुसलमान सबसे अच्छे हैं, हमारे पास इबादत भी हम करते हैं, हम कहते हैं कि हम सबसे अच्छे ईमानदार भी हैं, फिर भी आज के टाइम के अंदर हिंदू ज़्यादा तरक्की याफ्ता हमसे। के नाम के मुसलमान हैं, अंदर हमारे कुछ नहीं है। और आप यकीन करें अमेरिका गए हैं, हमारी सोच अगर वो कलमा पढ़ लेना तो वो जनती हैं। हम जैसे लोगों के, हमने उधर रमज़ान खोला, रोज़ा खोला, आप यकीन करें इतनी उन्होंने इज्जत की है हम लोगों की, इतनी इज्जत की मैं आपको बता नहीं सकती। रोजेदारों की इतनी इज्जत की है सही। तो यहाँ पर चीज़ें जब रोज़ा आता है तो चीज़ें सस्ती हो जाती कर देते हैं और महंगी कर देते हैं। इनको चाहिए कि गरीबों का ध्यान रख के थोड़ा सस्ता कर दें। देखो 10 रुपये 20 रुपये सस्ता कर दें तो गरीब भी बेचारा खुश हो जाए। बिल्कुल सही हो गया। लेकिन इधर आप देखें कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर रहे लोग। कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई पैगाम देना? आप बाहर लोग सस्ती कर देते हैं चीज़ें, जब हमारे रमज़ान आता है सस्ती करते हैं ना। मैं कहती हूँ कि हम उधर हॉस्पिटलों में उन लोगों ने हमारी इतनी इज्जत की है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने इतने महंगाई होती है उधर, सस्ता हो जाता है। ये मुसलमान है, ये नाम के मुसलमान है। सर आपको पता है इंडिया में भी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। एक बंदा मुझे दिखा रहा था, कह रहा था रमज़ान से पहले ये नींबू जो है लींबू 10 रुपये का था, रमज़ान आया 5 रुपये का कर दिया। इधर नहीं करते, इधर डबल हो जाता, डबल होता है, इधर डबल से डबल हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। कैसे आप लोगों ने जाने पाकिस्तानी सीनियर शहरियों के, जिंदगी तंदुरुस्ती दे, आपको सेहत दे, और इसी तरह आप लोगों की अच्छी बातें फैलाते रहें, और बात दुआओं में याद रखना। बहुत शुक्रिया। कैसे आप लोगों ने जाने पाकिस्तानी सीनियर सिटीजन की आवाज़? शुक्र अल्लाह। सर नाम आप? सैयद नसीम अब्बास। आपका नाम? हाशिम अब्बास। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास? 6th सेमेस्टर में BS मैनेजमेंट कर रहा हूँ। वेरी नाइस। तो सर बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, रिलेशंस के ऊपर बात करूँगा। चलो पहले तो ये बताएं कि ईद आ रही है, शॉपिंग वगैरह और घर के हालात वगैरह कैसे मैनेज कर रहे हैं, हो रहा गुजारा इस हालात के ऊपर देखते हुए, जहाँ पर डॉलर आसमान को छोरा, पेट्रोल की कीमतें 300 पर जा रही हैं, कैसे गुजारा हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है हालात बहुत ख़राब हैं मुल्क के, सियासतदान हमारे बहुत ख़राब किए हुए हैं, इनकी आपस की जंग है और कोई मसला नहीं, मुल्क बिल्कुल ठीक है, इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया बस। बिल्कुल सही। सर अगर मैं बात करूं रिलेशंस की, आपसे बात कर लेता हूं यार, अगर रिलेशन, अगर आपके पड़ोसी के साथ, अगर आपके रिलेशन, आप रोज़ पड़ोसी के साथ लड़ते हैं, तो मल्लेदार आपको किस निगाह से देखते हैं, अच्छी निगाह से या बुरी निगाह से? लाजमी सी बात है, बुरी निगाह से देखेंगे। सही बात है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव अभी रिसेंट की न्यूज़ है, अभी की न्यूज़ है कि जापान ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो बांग्लादेश को इंडस्ट्रियल हब बनाने जा रहा है फ्यूचर के अंदर। अगर मैं बात करूँ इंडिया की मदद से बनाएगा उसको इंडस्ट्रियल हब, अगर हमारे रिलेशन आज किसी भी कंट्री के साथ अच्छे होते तो क्या हमें भी इस तरह के प्रोजेक्ट ना मिल रहे होते? आपने जैसे देखा कि पाकिस्तान में चाइना ने इन्वेस्टमेंट की थी सीपैक, जो सीपैक बना है, उसके बाद में लाजमी सी बात है उसके साथ में कंट्रीज़, वो जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करती, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से लाजमी, मतलब कि मुमकिन नहीं है कि इस तरह का होगा। आज अगर बांग्लादेश हमें इस सिचुएशन में देखते हुए जहां पर वो डेवलप हो रहा है, जहां पर वो तरक्की याफ्ता बन रहा है, वो हमें इस सिचुएशन में देखते हुए क्या फील करता होगा, क्या महसूस करता होगा? देखें बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा ही था, ठीक है, पाकिस्तान से वो बांग्लादेश में टका चलता है, तो वो उसकी वैल्यू ये होगी है कि बांग्लादेश का एक टका होगा वो पाकिस्तान के 2 रुपये बनेंगे, तकरीबन 3 रुपये जो भी कहते हैं, तो मतलब कि पाकिस्तान की 3 टके की भी नहीं रहेगी वैल्यू। हम कहते होते थे जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ तो वो तो टके के लोग हैं, वो तो टका टका 2 दिन नहीं चलेंगे, लेकिन आज वो डिवेलप हो गए।
वो 3% बन गया अब तो। क्या ख्याल है, यहाँ पर मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि अब बांग्लादेश जैसे कंट्री भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे रखती है, अगर वो भी तो कह सकती थी भाई तुमने ये किया तुमने वो किया, हम तुम्हारे साथ तलुकात अच्छी नहीं रखते, लेकिन मुसलमान पाकिस्तान से भी ज़्यादा बांग्लादेश में ही होंगे, लेकिन वो भी तो कश्मीर का मसला लेकर अपनी ट्रेड को बंद कर सकते थे, लेकिन वो लोग क्यों नहीं करते? प्रैक्टिकल है या प्रोफेशनल लोग हैं? लाजमी सी बात है, प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल दोनों लोग, दोनों तरीके से लोग हैं। पाकिस्तानी मेहनत करते हैं लेकिन ना दिल से मेहनत नहीं करते इतनी ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मसला जो है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मैंने आपको पहले भी बताया, उसकी वजह से पाकिस्तान जब से ही मतलब के तरक्की की राह पे जाने लगता है कुछ ना कुछ मसला आता है। आपने जैसे भी देखा मैं तरक्की की है हमने कभी? हाँ हो रही थी। कब हो रही थी? लेकिन वो डिक्टेटर्स के दौर में हो रही थी तरक्की, वो एक हिसाब से, लेकिन वो इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं। आप तरक्की किसे कहते हैं? मेरी रिसर्च के मुताबिक हमने तरक्की उस वक्त की है जब हमें पैसे बाहर से कुछ आए इमदाद की सूरत में, जब किसी मुल्कों की जंग लगी है उससे हमने पैसे लेकर तरक्की की है। अब मुझे तरक्की बाय फैक्ट बताइएगा कि हमने तरक्की कब की है। देखें, तरक्की जो होती है ना इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से होती है। अब हमारे पाकिस्तान में वो जो होते हैं एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व जैसे डॉलर, पूरी दुनिया में डॉलर चलता है, पाकिस्तान में डॉलर की कमी क्यों हो जाती है? क्योंकि ये होता है कि लोगों का पॉलिटिक्स में वो जो पॉलिटिशियन होते हैं उन पर एतमाद ख़त्म हो जाता है, हुकूमत पर एतमाद ख़त्म हो जाता है, वो अपने डॉलर निकलवा के पाकिस्तानी बैंकों से अपने बाहर बैंकों में रखवा लेते हैं, इसी वजह से डॉलर की कमी पाकिस्तान में आती है और जो पाकिस्तान की असल कीमत है वो रुपीज़ में वो हाई हो जाती हैं। एज एजुकेटेड पाकिस्तानी, आज के मौजूदा टाइम के एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी की सूरत पर इंडिया के साथ रिलेशन बेटर करना कितना ज़रूरी हो गया आज के टाइम के अंदर?